हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू टू ऑल सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं क्लास सेकेंड को जैसे कि आपकी पहली क्लास हुई थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजरमेंट्स एंड यूनिट को यानी कि मापन व मात्रक को फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है अच्छा ये सब टॉपिक जो है आपका साइंस में भी पूछा जाएगा और मैथ्स में भी पूछा जाएगा राइट तो so, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आज उसका सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें कल मोस्टली जो थ्योरिटिकल पार्ट था वो हम लोगों ने यहाँ पर कम्प्लीट कर दिया तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स करने कुछ थ्योरी पार्ट जो कल के सेशन में रह गया था वो हम लोग कम्प्लीट करेंगे और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आज के सेशन में कम्प्लीट होने वाले हैं तो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें क्योंकि अभी एक दिन में सिर्फ एक क्लास हो पा रही है सिक्स से एम पर जल्दी आपकी साइंस की भी दो क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है और साथ ही मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए मैथ्स पैडागोजी की क्लासेस भी आ रही है तो वो भी आप यहाँ पर अटेंड कर पाएंगे ठीक है बाकी आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा एट डबल सेवन जीरो एट जीरो थ्री एट फोर जीरो पर ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई अपडेट हो तो डायरेक्टली आपको वो व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाए ठीक है आपका साइंस का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं क्लास के नोट्स मिलेंगे जो भी यूट्यूब पर क्लासेस हो रही है वो सारे नोट्स चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे एनसीआर समरी मिल जाएगा ठीक है जो भी मॉक टेस्ट आप लगाएंगे हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन क्योंकि इसमें आपको पता ही है एम वगैरह भी रहते हैं ठीक है न्यूमारिकल क्वेश्चनस भी रहते हैं तो सबका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा ठीक है इसमें साइंस पैडागॉजी को भी इंक्लूड कर दिया गया है ना साइंस पैडागोजी के नोट्स भी रहेंगे और साइंस पैडागोजी की वीडियो क्लास भी रहेगी ठीक है थीके, 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 ये पूरा आपका साइंस का पैकेज है और इसी तरीके से आपका मैथ्स पैडागोजी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है और साथ ही मैथ्स का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है ठीक है दोनों इंडिविजुअल अलग अलग कोर्सेस हैं जिस भी कोर्स को आप विजिट करना चाहते हैं देख लीजिएगा ठीक है और साथ ही आपका सी का कंप्लीट बेच अवेलेबल है वर्ग दो के लिए तो जो भी स्टूडेंट इनरोल करना चाहते हैं एक बार ऐप पर आ जाइएगा वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने मेज़रमेंट के बारे में और जितनी भी यूनिट्स हैं ऐसा यूनिट हो गई उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था फिर सेशन की एंडिंग हमने करी थी जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसका जो है मात्रक क्या होता है जस्ट लाइक आवृत्ति का मात्रक खर्च हो जाएगा इसको कैसे व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है उन सब के बारे में डिस्कस हो चुका है तो आज हम लोग यहाँ पर ताप और द्रव्यमान की बात कर लेते हैं ठीक है ये एनसीआर टी की क्लास से ही लिए गए नोट्स है द्रव्यमान का मापन जब भी आपको द्रव्यमान को मापने को बोला जाए आप कैसे मेजर करेंगे तो कई सारे तरीके होते हैं द्रव्यमान को मेजर करने में जिसमें सबसे पहला है साधारण दंड तुला के थ्रू बिम बैलेंस के थ्रू आप इसको कर सकते हैं ये रहा डायग्राम आपके सामने हमने अनुभव किया है कि दो मुठ्ठी रेत जो है एक मुट्ठी रेत से भारी लगती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो मुठ्ठी रेत में पदार्थ की मात्रा जो है एक मुठ्ठी रेत से काफ़ी ज़्यादा अधिक होगी जो वस्तुएं भारी होती हैं उनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें पदार्थ की जो क्वांटिटी है वो अधिक मात्रा में रहेगी इस तरह द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा की माप है उस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी क्वांटिटी है किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए इसकी तुलना एक मानक द्रव्यमान से करते हैं और मानक द्रव्यमान हमारा क्या होगा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम हो जाएगा द्रव्यमान मापने के लिए इन जनरल जो है दंड तुला का प्रयोग किया जाता है और पुराने समय से ये चीज चली आ रही है इसमें धातु का एक दंड होता है ठीक है यह ठीक मध्य में बिंदु पर किसी बिंदु पर टैग पर टिका हुआ रहता है इस तरीके से इसको बैलेंस किया जाता है यह दंड टैग पर स्वतंत्रता पूर्वक जो है हिलडुल सकता है मध्य बिंदु से समान दूरी पर दो पलड़े यहाँ पर लगे होते हैं दोनों पलड़ों में से एक पर वस्तु को रखा जाता है जिससे तोलना है और दूसरे पलड़े पर बाट को रखा जाता है जो हमने स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम ग्राम और इस तरीके से जो बाट रहते हैं अलग अलग मेजरमेंट के लिए उनको रखा जाता है ठीक है और इस तरीके से वस्तु का जो द्रव्यमान है उसको यहाँ पर मेजर किया जाता है ठीक है और भी तरीके हैं द्रव्यमान के मापन के लिए एक्यूरेसी इन द मास मेजरमेंट अब माप तो आप कर रहे हैं लेकिन इसमें कितने परसेंट एक्यूरेसी आती है इससे भी क्वेश्चन बनते हैं जैसे दंड तुला के अंदर जो हम लोग देखते हैं ना कि जो चीप ग्राहक होते हैं वो क्या करते हैं उसका वज़न कम ज़्यादा कर लेते हैं है ना एक्स्ट्रा बाट नीचे उसके तुला के चिपका देते हैं कई सारी चीज़ें होती है तो ये चीज़ें कितनी परसेंट एक्यूरेट होती है देख आपने देखा होगा कभी भी जो सोने चांदी वाले हैं वो कभी भी इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग नहीं करते उनके पास इलेक्ट्रॉनिक होता है क्योंकि हल्का सा ग्राम का भी मिस्टेक वहाँ पर

ठीक है क्योंकि इन तुलाओं की सहायता से एक मिलीग्राम के दसवें भाग को भी आप पूर्वक मतलब बहुत एक्यूरेटली यहाँ पर चेक कर सकते हैं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही ऐसी इलेक्ट्रॉनिक तुला का निर्माण हुआ है जिसमें एक ग्राम के दसवें लाखवें भाग को दस लाखवा भाग भी आप बहुत एक्यूरेसी के साथ मेज़र कर सकते हैं भौतिक तुला आपने देखा है कि इसमें हल्का सा भी हवा की वजह से भी इम्बैलेंस नहीं होगा तो एक बटे दसवें भाग तक आप एक्यूरेसी निकाल सकते हैं और इसी तरीके से डिजिटल वाला है है ना इलेक्ट्रॉनिक तुला जिसको हम लोग बोलते हैं जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिलेगी और ऐसी चीज़ें भी हैं मतलब ये चीज़ें थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी टेक्नोलॉजी ऐसी भी आ चुकी है कि दस लाखवा भाग भी वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर निकाल कर दे सकते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं समय के मापन की अब समय का मापन के लिए हमारे पास घड़ी है तो पुराने समय में क्या होता था पुराने समय में तो नहीं थी घड़ी तो थोड़ा सा यहाँ पर हिस्ट्री दिया हुआ है है ना जो हमारे टाइम को मेज़र करने की जो अलग अलग चीज़ें हैं तो इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं समय को जो है हम घड़ियों की सहायता से मापते हैं लेकिन एक समय ऐसा भी था जब घड़ियाँ नहीं थी समय को आ, समय के ज्ञान के लिए उस समय के लोग उन घटनाओं का प्रयोग करते थे जो नियमित रूप से घटित होती है ऐसी घटना थी जैसे कि दिन और रात का घटित होना आजकल हमने दिन को छोटे अंतरालों में बांट लिया ये अंतराल घंटे मिनट और सेकंड हो गए जिससे फिर सूर्योदय सूर्यास्त और जो दिन का जो समय होता था जब सन बिल्कुल सर पर होता था तो ऐसे करके वो थोड़ा अंदाजा लगा लेते थे है ना जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल आप सन डायल का देख सकते हैं प्राचीन काल में समय मापने के लिए घड़ी का प्रयोग किया जाता था इसमें एक क्षेत्रिश तख्ता होता था इस तख्ते के ऊपर धातु की एक तिकोनी प्लेट लगी होती थी है ना अभी मैं पूरा एक्चुअल डायग्राम दिखाऊंगी बट आप एक थोड़ा इमेजिन कर रहे हैं ना इस तख्ते पर धातु की एक तिकोनी प्लेट ऊर्ध्वाधर दिशा में लगी होती थी इस प्लेट को उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर है ना उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर रखा जाता था इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखा जाता था प्लेट की छाया जो है इस प्लेट का जो शेडो है इसके ऊपर गिरेगा प्लेट की छाया शेडो पर प्लेट की छाया जो है तख्ते पर पड़ती थी दिन के अलग अलग समय पर छाया का सिरा तख्ते पर अलग अलग प्रकार के कोण को छूता था इस प्रकार धूपगड़ी से हमें समय का ज्ञान हो जाता था ठीक है ये रहा दिख रहा है आपको नॉर्थ साउथ पोल ऐसे करके इसको रखा जाता था है ना नॉर्थ और साउथ में और जैसे ही यहाँ पर आपने देखा ये तख्ता ये हमने इसको ऐसे रखा हुआ है इसके ऊपर उर्ध्वाधर ये तिकोना रखा हुआ है अब इसके ऊपर जैसे ही धूप गिरेगी देखो कोई भी चीज़ गिरती है तो उसकी शेडो बनती है तो ये शेडो पहले यहाँ बनेगी फिर धीरे धीरे यहाँ 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 ऐसे करके बनेगी जैसे जैसे धूप की डायरेक्शन सन की डायरेक्शन जो है यहाँ पर चेंज होगी तो यहाँ से क्या होता था जैसे जैसे एंगल बनते जाते थे इनको समय का ज्ञान होता जाता था तो इस तरीके से पुराने समय के जो लोग हैं धूप घड़ी के माध्यम से समय को मेज़र करते थे ठीक है तो इस प्रकार धूप घड़ी से समय का ज्ञान होता था ऐतिहासिक घड़िया आज भी दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर में देखी जा सकती है ये जंतर मंतर जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाए थे इन घड़ियों द्वारा दर्शाया गया समय लगभग सही होता है किंतु सूर्यास्त के बाद आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि सन डायल है है ना तो धूप घड़ी तो धूप में ही प्रयोग करेंगे और बारिश और जाड़े के दिनों में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं ठीक है चलिए अब बात करते हैं रेत घड़ी की ये तो बहुत सारों के घर में होगी भी सही प्राचीन काल में समय मापने की अन्य युक्ति रेत घड़ी थी रेत घड़ी में दो बर्तन एक दूसरे से बारीक छिद्र के द्वारा जुड़े होते थे रेत एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाता था और ऊपर के बर्तन खाली होने पर एक निश्चित समय का ज्ञान हो जाता था कि हाँ एक घंटा हो गया है इस तरीके से एक वैल्यू हमको पता चल जाती थी फिर आता है पेंडुलम क्लोक लोलक घड़ी कुछ आधुनिक घड़ियों में भी समय मापने के लिए ऐसी घटनाओं का उपयोग करते जो एक निश्चित समय में नियमित रूप से घटती है मतलब एक घंटा होने पर इसमें यह डायल बच जाता है और इस तरीके

विराम घड़ी को इच्छा अनुसार चालू या बंद किया जा सकता ये है यह रहा इसका स्विच ठीक है इन घड़ियों का उपयोग सामान्यतः प्रयोगशाला में या दौड़ प्रतियोगिता में समय का मापन करने के लिए किया जाता है ठीक है डिजिटल घड़ी की बात कर ले तो आजकल बहुत सी घड़ियां परंपरागत घंटे मिनट अथवा तो जो सेकंड है इसकी सुइया ना होते हुए अंकों में इसको प्रदर्शित करती जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा देखा था वैसे ही अपनी डिजिटल घड़ी होती है ठीक है इसमें आपको वो नहीं देखना है इसमें डायरेक्टली आप नंबर के थ्रू जो है चेक कर सकते हैं कि क्या समय हो रहा है ओके क्लियर है समय का मापन आपको पता चल गया मास का बिल्कुल पता चल गया कि द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकालेंगे किलोग्राम ग्राम कैसे निकाला जाएगा है ना ये हो गया अब आगे बढ़ लीजिए थोड़ा सा इसका हिस्ट्री ठीक है जितने भी स्टूडेंट व्हाट्सअप में नहीं है इस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सअप में ऐड हो जाइएगा ठीक है क्योंकि कुछ भी चीजें मुझे शेयर करनी होती है पीडीएफ इमेजेस वगैरह तो मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पर डाल देती हूँ ठीक है महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीयी की बात करें तो महाराजा जय सिंह द्वितीय ने अपने समय में अभी अभी जस्ट आपने नाम पढ़ा कि जयपुर जा, के जंतर मंतर में जो घड़िया रखी गई है ऐतिहासिक घड़िया वो इनके द्वारा डिजाइन की गई है ठीक है इन्हीं की है वो महाराजा जयसिंह द्वितीय अपने समय में एक महान खगोल शास्त्री गणितज्ञ तथा वास्तुकला के विशेषज्ञ थे इनका जन्म सोलह में हुआ है युवा जय सिंह की रुचि खगोल शास्त्र में थी जब एक बार उनसे पूछा गया कि तारे और चंद्रमा यहाँ से कितनी दूर है तब तब वो जो है उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए थे लेकिन फिर उन्होंने खोज करी और इसी खोज के कारण वे खगोलविद्य भी बन गए और गणितज्ञ भी बन गए उन्होंने दिल्ली जयपुर बनारस और उज्जैन में चार जंतर मंतर वैदिशालाएं खोली संस्कृत में जंतर मंतर का अर्थ होता है उपकरणों और सूत्र ओके okay? तो उनकी वैदिशालाओं में वे सभी लोग आ सकते थे जो खगोल विज्ञान पढ़ना चाहते थे वे चाहते थे कि विज्ञान जो है लोगों का एक लोकप्रिय विषय बन जाए या विज्ञान काफी ज्यादा लोकप्रिय हो जाए जंतर मंतर के तीन प्रमुख घटक होते हैं जिसमें से सबसे पहला होता है सम्राट यंत्र दूसरा राम यंत्र और तीसरा होता है जयप्रकाश ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने इसको तैयार किया था सम्राट यंत्र बेसिकली एक क्या होता है विशाल धूपगढ़ी होती है जो अभी आपने देखा सन डायल होता है जिसमें एंगल के थ्रू जो है समय को मेजर किया जाता है जिसके द्वारा समय के अलावा सूर्य की ऊंचाई भी मापी जा सकती है राम यंत्र तारों की ऊंचाई की शुद्धता को मेजर करता है जैसे कि आप लोगों को हाइट मेजर करनी है ना उनसे क्वेश्चन क्या पूछा था तारे और चंद्रमा जो है कितनी दूरी पर है है ना तो इसके लिए फिर उन्होंने इसका निर्माण किया था तो बेसिकली सम्राट यंत्र विशाल धूपघड़ी है समय भी मेज़र कर सकते हो सूर्य की ऊंचाई को भी आप उसके थ्रू मेज़र कर सकते हैं राम यंत्र जो है तारों की ऊंचाई की शुद्धता को मेज़र करता है कि वो कितने एक्यूरेटली उस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं और जयप्रकाश जो यंत्र है खगोली पिंडों की स्थिति जो है हर समय मापी जा सकती है कि इस समय ये जो खगोली पिंड है ये कहाँ पर स्थित है है ना किस दिशा में है ये आप इसके थ्रू धूप घड़ी के थ्रू यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं ठीक है चलिए अब बात हो गई समय की अब आ जाते हैं टेम्परेचर पर अगर आपको टेम्परेचर मापने को बोला जाए तो आप कैसे मेज़र करेंगे अच्छा एक चीज़ और मैं बता देती हूँ ये जो नोट्स बने हैं ये तीन क्लासेस से बने ये क्लास सिक्स में थोड़ा बहुत जो है मेजरमेंट के बारे में सिखाया जाता है क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर एलेवन है क्लास नाइन्थ में भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ये क्लास इलेवन तो तीन डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है एन सी की बुक है जिससे आपका ये सेशन रेडी किया गया है ठीक है तो आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये तीनों क्लासेस के नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं ओके टेम्परेचर को बात कर रहे थे तो टेम्परेचर को आपको पता ही है कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं कैलविन से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना फैरेनाइट में कन्वर्ट करना ठीक है तो किसी ठंड ठंडे दिन का तापमान कम होता है और गर्म दिन का अधिक होता है वी ऑल नो टेम्परेचर के बारे में तो ताप शब्द से हमारा तात्पर्य क्या है कि किसी वस्तु की उष्णता की माप अर्थात वह वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है है ना कोई कितनी गर्म है कोई कितनी ठंडी है ये चीज़ क्या कहलाती कहला है उसका टेम्परेचर कहलाती है बर्फ़ का ताप उबलते हुए पानी की तुलना में कहीं कम होता है हम लोग बोलते हैं ना कि माइनस में होता है ठीक है तो ताप को मापने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है अच्छा आज हम लोग एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर कंप्लीट करने के साथ ही हम लोग कितने प्रकार के मेजरमेंट के यंत्र होते हैं जस्ट लाइक बारिश को किस में मेज़र किया जाता है समुद्र की गहराई को किस में मेज़र किया कई सारे मीटर पड़े हुए हैं तो उनके बारे में हम लोग आज ही डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका ये मेज़रमेंट वाला चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए ठीक है ताप को मापने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है व्यवहार में ताप का जो मापन है डिग्री सेल्सियस के अंदर लिया जाता है मतलब मेजर किस में करते हो डिग्री सेल्सियस के अंदर आप इसको मेजर करते हो और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है कन्फ्यूज़ कर सकती है कैलवीन होता है डिग्री सेल्सियस होता है फेरेनाइट होता है तो इसका ऐसा ही मात्रा कैल्वीन होता है ठीक है पढ़ाइए सात ऐसा ही मात्रा कल हमने देखी ही है ठीक है चलिए सेल्सियस स्केल और कैल्विन स्केल के अंदर क्या रिलेशन होता है अगर आपसे ये पूछा जाए ठीक है तो आपको क्या बताना है कि जो अगर मैं यहाँ पर कन्वर्ट करूँ डिग्री सेल्सियस को तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा 273 का ऐड करना पड़ेगा प्लस जो भी आपकी वैल्यू है मान लो टी आपकी वैल्यू है है ना तो इससे अगर मैं किसी भी चीज़ में 273 को ऐड कर देती हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस से कैलविन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा जस्ट एन एक्ज़ाम्पल फोटी डिग्री सेल्सियस की बात करनी है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है कैलविन के अंदर तो मैं इसके अंदर टू सेवेंटी थ्री एड कर दूँ दैट मीन्स थ्री वन थ्री कैलविन और अगर एक और, और एग्जाम्पल आप देखना चाहें हंड्रेड डिग्री का तो इसमें भी आप टू सेवेंटी थ्री कर दें थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन हो जाएगा क्लियर यहाँ तक कैसे कन्वर्ट करना है अच्छा एक चीज़ और आप देख लीजिए कल जो सात यूनिट आपने पढ़ी थी रिवाइज़ कर लेते फटाफट जो सात ऐसा यूनिट होती है और दो उसका पूरक हमने देखा था ठीक है लंबाई मीटर में मेजर होगी ठीक है द्रव्यमान को किस में मेजर करोगे किलोग्राम में मेजर करोगे सिर्फ यूनिट्स लिख लेते हैं है ना आप रिवाइज करते जाना लंबाई को किस में मेजर करेंगे मीटर में द्रव्यमान को किलोग्राम में समय को सेकंड में तीन तो कांस्टेंट है ही सही ठीक है फिर विद्युत धारा को एम्पियर में, में मेजर किया जाएगा ठीक है उषमागतिक ताप ये रहा आपका कैलविन जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं पदार्थ की मात्रा को मोल में मेजर किया जाता है और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में व्यक्त किया जाता है हो गई साथ तीन दो पाँच और दो सात की उसके बाद दो हमने पूरक देखे थे एक तो समतलीय कोण जिसको रेडियन में, में मेजर किया जाता है ठीक है और दूसरा हमने घंट कोण देखा था जिसको स्टेरडियन के अंदर मेजर किया जाता है जिसको शॉर्ट में एस आर लिखा जाता है ठीक है ये सारी बातें कल हो चुकी थी चलिए आगे बढ़ते हैं चलो अब टेम्परेचर मेजर करने वाले यंत्रों के बारे में बात करेंगे ऑर्डिनल थर्मोमीटर के बाद में बारे में बात करते हैं और उसके बाद क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डिनल थर्मोमीटर की साधारण तापमापी की यह आपके सामने साधारण तापमापी है एक साधारण तापमापी आपको चित्र में दर्शाया गया है इसमें मोटी दीवार वाली किंतु एक समान एवं बहुत बारीक छिद्र वाली कांच की एक लंबी नली होती है ठीक है इसे केश नली यहाँ पर कहा जाएगा इस नली के एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है ये रहा और दूसरा सिरा जो है इसका बिल्कुल कम्प्लीटली क्लोज होता है बंद होता है तापमापी के बल्ब में यहाँ पर पारा भरा रहता है और केश नली की के बाहरी सतह पर ये जो चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं ये डिग्री सेल्सियस के आपके चिन्ह हैं ताप बढ़ने पर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा है ना पारा यहाँ पर फैलेगा और एक चमकदार रेखा के थ्रू यहाँ तक पहुँच जाएगा ठीक है मतलब जहाँ तक भी उसको पहुँचना होगा जितना ज़्यादा गर्म होगा जस्ट लाइक मैक्सिमम होगा तो वो रेड लाइन आपको यहाँ तक दिखाई देगी ठीक है आई थिंक आप सभी ने अपनी लाइफ में एक बार तो इसका यूज़ किया ही होगा या किसी को करते हुए देखा होगा ठीक है तो ताप बढ़ने पर तापमापी के बल्ब में भरा पारा फैलता है और एक चमकदार रेखा बनाता है जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है इस रेखा की लंबाई बढ़ती जाती है ताप कम होने पर पारा सिकुड़ जाता है और इसकी चमकदार रेखा की लंबाई घटने लग जाती है इस प्रकार पारे की चमकदार रेखा की लंबाई का बढ़ना या कम होना ताप के बढ़ने या घटने का यहाँ पर सूचक होता है मतलब मेरे अंदर वो इतनी क्यूरियसिटी थी कि मेरे घर पर था मैंने उसको तोड़ दिया था मतलब तो मुझे चेक करना था कि इसके अंदर ये रेड रेड है क्या ठीक है तो डाट काफ़ी पड़ी थी बट हाँ मुझे समझ में आ गया था उस टाइम पर कि ये चीज़ क्या है ओके तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को ऑर्डिनल थर्मोमीटर का प्रयोग क्या है ठीक है क्लियर है यहाँ तक चलिए आगे बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की इस तापमापी को डॉक्टरी तापमापी भी कहा जाता है इसका उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है इस तापमापी की बनावट भी साधारण तापमापी के समान ही होती है अंतर केवल इतना होता है कि इसकी बारीक नली केश नली जो है बल्ब के पास सक्रिय तथा घुमावदार होती है इससे क्या फ़ायदा है मतलब उसमें क्यों नहीं है फिरी वाली चीज़ें इसका क्या बेनिफिट है ऐसा बनाने का तो इससे लाभ ये होता है कि ताप बढ़ने से पारा नली में चढ़ तो जाता है किंतु तो ताप के कम होने पर एकदम से नीचे नहीं आता है धीरे धीरे नीचे आता है अतः तापमापी को मरीज के शरीर से अलग करके पाठ्यांक लेने में आसानी हो जाती है जैसे उस वाले का क्या ड्रॉबैक रहेगा ये रहा फर्स्ट वाला जैसे ही मैंने उसको गर्म चीज के ऊपर से हटाया एकदम से ये ड्रॉप हो जाएगा ठीक है हमको क्या चाहिए कि जब तक पेशेंट के पेशेंट को चेक करें पेशेंट को चेक करके जब तक डॉक्टर उसको देखे तब तक वो वहीं पर रहना चाहिए मतलब थोड़ी सी कॉन्स्टेंटनेस या वो धीरे धीरे ड्रॉप हो धीरे धीरे वो नीचे इसके लिए यहाँ पर एक घुमावदार दिया जाता है थोड़ा सा घुमाया इसको जाता है ताकि जो टेम्परेचर है धीरे धीरे यहाँ पर कम हो इसीलिए कुछ समय तक रखा जाता है है ना मरीज का अगर हम लोग चेक कर रहे हैं स्वस्थ मानव शरीर का तापमान सैंतीस डिग्री सेल्सियस या फिर नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फेरेनाइट होता है और ज्वर तापमापी जो रहता है ये वाला इसमें जो मीटर रहते हैं पैंतीस से लेकर क्योंकि हमको पता है कि स्वस्थ क्या होगा सैतीस होगा तो इसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं पैंतीस से बयालीस डिग्री सेल्सियस तक के चिन्ह यहाँ पर इंकित रहते हैं है ना इस तरीके से अंकन यहां पर रहता है और फेरानाइट में देखना है तो आप इसको कन्वर्ट करके यहां पर देख सकते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं न्यूनतम उच्चतम तापमापी की मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर की तो इसमें एक न्यूनतम उच्चतम तापमापी दर्शाया गया है जिसकी सहायता से किसी समय अंतराल में किसी न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान को आप मेज़र कर सकते हैं मतलब इस समय मिनिमम टेम्परेचर इसका कितना हो सकता है मैक्सिमम कितना हो सकता है वो आप इसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के माध्यम से यहाँ पर चेक कर सकते हैं और ये कुछ इस तरीके का दिखता है ठीक है यहाँ से मिनिमा Minima, ये मिनिमल वैल्यू और यहाँ पर इसकी मैक्सिमल वैल्यू पता चल जाएगी आपको ओके okay? क्लियर है थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कन्वर्जन क्लियर है 273 प्लस कब करना है जब आप उसको फेर में कन्वर्ट करेंगे ठीक है चलिए आगे बात करते हैं विभिन्न प्रकार की गतियों की रेखी गति वृत्ताकार गति दोलन गति आवृत्ति गति और अनियमित गति बेसिकली पांच प्रकार की गतियां होती है एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं रेखी गति किसी बंदूक से छोड़ी गई गोली की जो गति होती, होती है रेखी गति होती है वृक्ष से गिर रहे फल की गति रेखी गति रहेगी वृत्ताकार गति चंद्रमा का पृथ्वी के चारों परिक्रमा लगाना वृत्ताकार झूले में बैठे हुए बच्चे की जो गति रहेगी ठीक है आगे बात करें दोलन गति ठीक है तो घड़ी के पेंडुलम की गति जो रहेगी आपकी दोलन गति यहाँ पर रहेगी ठीक है और आवृत्ति गति की बात करें तो दिल की धड़कन की गति और सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी की गति राइट right? तो ये विभिन्न प्रकार की गतियां यहाँ पर हो गई चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे देखो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कम्प्लीट कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं देखो आपको ये चीजें सॉल्व करनी है किसी एक सेंटीमीटर भूजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब में किसके बराबर होगा मतलब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन तो आपका लगेगा चलिए इसको कन्वर्ट करके देखिए क्या आंसर आएगा देखो एक सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना है और घन का आयतन भी आपको यहाँ पर निकालना है तो एक सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 होता है टेन टू दावर माइनस टू मीटर के बराबर होते हैं या फिर मैं ऐसे लिखूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं तो एक सेंटीमीटर में एक बटा सौ मीटर हो जाएगा और सौ को मैं ऊपर लेकर जाऊँगी दैट मीन्स टेन टू दी पावर माइनस टू मीटर यहाँ पर हो जाएगा ऐसे ही लिखोगे आप लोग ठीक है अब हमको क्या करना है घन का आयतन निकालना है घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा की घात तीन यानी कि ए की पावर थ्री तो ए की पावर थ्री यानी कि टेन टू दी पावर माइनस टू है और इसकी पावर थ्री दैट मीन्स टेन टू द पावर माइनस सिक्स हो जाएगा और टेन टू दावर माइनस सिक्स और मीटर में कन्वर्ट कर लिया दैट मीन्स मीटर का क्यूब ठीक है तो ये टेन टू दावर माइनस सिक्स मीटर की घात तीन क्यूब मीटर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखें ये क्लियर है इसमें आंसर भी दे रखें ठीक है आप यहाँ पर जाएंगे इस पी में तो ये आपको आंसर भी मिल जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कोई गाड़ी जो है 18 किलोमीटर पर आर की चाल से चल रही है दैट मीन्स इसकी स्पीड कितनी दे रखी है अट्ठारह किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है एक सेकेंड में कितना चलेगी तो मतलब क्या मुझे एक सेकेंड में कितना मीटर चलेगी तो क्या मुझे इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट नहीं कर लेना चाहिए तो अट्ठारह किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे ठीक है तो आप डायरेक्टली चाहें तो वो पाँच बटे अट्ठारह वाला कॉन्सेप्ट यदि आपने याद कर रखा है वो भी आप लगा सकते हैं और इसको सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं एक हज़ार मीटर होते हैं ठीक है ये स्पीड हम लोग देख रहे हैं ठीक है कंफ्यूज मत होना और घंटे को मिनट में बदलना है मिनट को फिर सेकंड में बदलना है तो 60 मिनट में कन्वर्ट हो गए 60 सेकंड में कन्वर्ट हो गए ठीक है बस इसको सॉल्व कर लो 6 3 18 ठीक है 6 3 18 30 हो गए 30 6 मतलब 5 मीटर ठीक है 5 मीटर प्रति सेकंड तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया मतलब स्पीड कितनी है उसकी 5 मीटर प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना चल रही है वो पाँच मीटर चल रही है आप ऐसे कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं तो एक सेकंड में वो कितना चलेगी आप ऐसे भी देखना चाहें तो आपका फॉर्मूला क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ठीक है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है तो समय यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका जितना वो एक सेकेंड में चलिए एक सेकेंड में कितना चलिए पाँच मीटर यहाँ पर चलिए तो पाँच मीटर आपका आंसर हो जाएगा ठीक है क्लियर है तो एक सेकेंड में कितनी दूरी उसने तय करी है तो एक सेकेंड में पांच मीटर की दूरी इस गाड़ी के द्वारा तय करी गई है ओके क्लियर है यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे देखो अच्छा क्वेश्चन है ये कोई छात्र सौ आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई को मापता है हंड्रेड आवर्धन तक वो देख सकता है है ना बालों की मोटाई कितनी है इसको मेजर करना और आपको पता है कि बालों की साइज कितनी है मतलब उसकी जो मोटाई है बिल्कुल लगन ने मतलब हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते नग्न आंखों से तो हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं माइक्रोस्कोप का प्रयोग कर सकते हैं तो हंड्रेड आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो इतना एक्यूरेटली जो है बाल की मोटाई को माप सकता है वो बीस बार प्रेक्षण करेगा मतलब बीस बार जो है उसको ऑब्जर्व करेगा उसकी मोटाई को मापेगा और फिर उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की जो औसत मोटाई आई है वो थ्री पॉइंट फाइव एम एम आई है है ना मतलब उसने एक एवरेज निकाला टोटल बीस बार उसने ऑब्जर्वेशन किया और एक एवरेज निकाला कि मोटाई कितनी आई है थ्री पॉइंट फाइव एम आई है तो आप बताइए कि उसकी मोटाई का अनुमान क्या है है ना अनुमान आपको यहाँ पर बताना है तो देखो इसमें एक फॉर्मूला लगता है है ना सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन का फॉर्मूला लगेगा सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापी गई मोटाई इन डिवाइड बाय वास्तविक मोटाई सेम चीज़ आपको वर्नियर कैलिपर्स के लिए भी करनी है स्क्रू गेज के लिए भी करनी है ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर बी रेडी फॉर दैट ठीक है तो एक क्वेश्चन आपके सामने है कि और बाकी सारे मैं आपको प्रैक्टिस में प्रोवाइड करवा दूंगी तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन आपको मेज़र करना है तो मापी गई मोटाई कितना मापा था इस बच्चे ने थ्री पॉइंट फाइव एम mm एम मेज़र किया था ठीक है और आवर्धन कितना लगा है मतलब कितना एक्यूरेटली वो मेज़र कर सकता है तो हंड्रेड आवर्धन का एक सूक्ष्मदर्शी है डिवाइड बाय आप हंड्रेड कर देंगे तो थ्री पॉइंट फाइव एम एम डिवाइड बाय हंड्रेड आपको करना है तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव एम एम आपका आंसर आ जाएगा ठीक है एनसीईआरटी में पूछा गया क्वेश्चन था दैट मीन्स कि एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं मतलब वो वैल्यू भी चेंज नहीं करते वो सेम क्वेश्चन पूरा का पूरा पूछ लेते हैं ठीक है क्योंकि मैथ्स में हुआ है ऐसा क्लास नाइन्थ के साथ पूरे के पूरे क्वेश्चन उन्होंने वहाँ पर छाप रखे थे ठीक है तो क्लियर है ऐसे आप इसको मेजर कर सकते हैं जो उसकी एक्चुअल जो मापने की उसकी क्षमता होती है उससे आप कर सकते हैं सेम एज इट इज आपका वर्नियर कैलिपर्स में भी रहेगा तो उसमें वही रहेगा कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उसको आप इसको डिवाइड कर देना ठीक है चलिए आगे बात करते हैं एक बार से आप इस टेबल को देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे है ना कन्वर्जन रहेगा बेसिकली चलिए गीगा मेगा किलो हेक्टो देगा टेसी मिली नैनो, और पीको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इसको मतलब ये किसके बराबर होंगे किसके इक्वल में माने जाएंगे जैसे कि अगर आप देखें तो गीगा को प्रेजेंट किया जाता है टेन टू पावर नाइन मीटर में।, में मेगा होता है टेन टू पावर सिक्स मीटर ठीक है किलो टेन टू पावर थ्री मतलब एक किलोमीटर में हम लोग बोलते हैं ना कि एक हजार मीटर होते हैं हेक्टो टेन टू दी पावर टू मतलब हंड्रेड के हो जाएगा डेका सिंगल टेन मीटर ठीक है डेसी अब ये चीज़ें माइनस में चलती है डेसी माइनस वन हो जाएगा सेंटी माइनस टू हो जाएगा मिलीमीटर मीटर माइनस थ्री हो जाएगा माइक्रोमीटर मीटर माइनस सिक्स ठीक है मेगा और माइक्रो में कन्फ्यूज मत होना माइक्रो मतलब छोटा माइनस सिक्स नैनो और उससे छोटा नैनो टेक्नोलॉजी बताया ना माइनस नाइन फिर पी को उससे भी छोटा टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व ऐसे फर्मी भी होता है टेन टू दी पावर माइनस फिफ्टीन जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है तो इस तरीके से पूरी सीरीज चलती है तो एक बार इसको देख लो और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये आपके सामने है चलिए तो करें स्टार्ट इसके क्वेश्चन बेसिकली एम सी क्यूज फॉर्म में आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे कि किसकी यूनिट क्या होती है चलो वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे सबसे पहले देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ही मात्रक नहीं है तो अब भी जस्ट पढ़ कर आए थे एम्पियर विद्युत का कैंडल आपका ज्योति तीव्रता का कैलविन भी है अभी आपने टेम्परेचर वाली चीज़ देखी लेकिन न्यूटन नहीं है ये व्युत्पन्न मात्रक है है ना जो कि आपका इसे किलोग्राम और मीटर से मिलकर बना है ठीक है तो न्यूटन नहीं है न्यूटन व्युत्पन्न राशि है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है दूरी का आप एंगल स्ट्राम में व्यक्त कर सकते हैं सबसे छोटी दूरी को मापने के लिए फर्मी माइनस फिफ्टीन टेन टू द माइनस फिफ्टीन तक आप किसी भी मेज़र uh, कर सकते हैं ठीक है पार्सिक बहुत बड़ी दूरी को मेज़र करने के लिए जस्ट लाइक प्रकाश वर्ष और ऐसे होता है ना कि बड़ी दूरी को मापने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं लेकिन बारण का प्रयोग नहीं करते हैं ठीक है तो बारण आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्सिक किसका मात्रक है दूरी को मापने के लिए लंबी दूरी को मापने के लिए पार्सिक का प्रयोग करते हैं प्रकाश प्रकाशवर्ष किसका मात्र प्रकाश वर्ष अगेन दूरी को मापने का मात्रक मात्र जल्दबाजी में समय मत करके आ जाना क्योंकि वर्ष लिखा हुआ है ठीक है ये दूरी को यहाँ पर मेज़र करता है की त्रिज्या जैसे कोई भी चीज़ है उसके की त्रिज्या टेन टू दी पावर माइनस फिफ्टीन है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं उसकी त्रिज्या किस में मेज़र करी जा सकती फर्मी में आपने क्या देखा था कि जो अभी हम लोग टेबल देख आए हैं है ना डेसी सेंटी वाली तो डेसी माइनस वन सेंटी माइनस टू मिली माइनस थ्री

टेन टू दी पावर माइनस सिक्स के इक्वल यहाँ पर होगा ठीक है ये गलत हो गया 10 6, है टेन टू दावर माइनस सिक्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इक्वल है ठीक है अभी हमने जस्ट पढ़ाई है डेसी हो गया माइनस वन सेंटी माइनस टू मिली माइनस थ्री माइक्रो माइनस सिक्स के इक्वल ओके ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखना चलिए एक नैनोमीटर किसके तुल्य यहाँ पर हो जाएगा तो अगर हम लोग नैनो की बात करें तो नैनो इक्वल हो जाएगा माइनस नाइन के है ना एक नैनोमीटर किसके तुल्य होता है टेन टू दावर माइनस नाइन के तुल्य होता है ठीक है ये रहा टेन टू दावर माइनस एक सेकेंड अच्छा इसमें यूनिट कन्वर्ट करके रखी हुई है गॉट इट आंसर गलत नहीं होगा फिर यहाँ पर हम लोग जो कन्वर्ट कर रहे थे वो पूरा मीटर के अंदर कर रहे थे इन्होंने क्या कर रखा है ये चीज़ यहाँ पर चेंज कर रखी है इसका हमने ध्यान नहीं रखा अभी हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है वो सब मीटर के लिए पढ़ी है किसके लिए पढ़ी है मीटर के लिए पढ़ी है तो वापस से प्रीवियस क्वेश्चन पर आ जाते हैं अच्छा ये वाली चीज़ बिल्कुल सही है वन सेकेंड माइक्रोन में हमने देखा है तो मीटर में ही पूछा गया था दैट मीन्स कि माइक्रोन के लिए जो हमने देखा कि टेन टू दी पावर माइनस सिक्स ये वाली चीज़ बिल्कुल करेक्ट है इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखना कि आपको मीटर सेंटीमीटर काय के अंदर पूछा हुआ है ठीक है नैनोमीटर की बात करें तो टेन टू दी पावर माइनस नाइन मीटर होता है ठीक है लेकिन हमको मीटर में कोई चीज़ दिख नहीं रही है दैट मीन्स हमको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में निकालना पड़ेगा अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ सेंटीमीटर में तो यहाँ पर मेरा प्लस टू हो जाएगा ठीक है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है मतलब प्लस टू करना पड़ेगा तो ये टेन टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस सेवन हो जाएगा तो ये रहा आपका आंसर ठीक है तो ऐसी गलती जो मैंने करी है वो आप लोग मत करना है ना मीटर में जो भी अभी तक अपन ने सीरीज़ पढ़ी वो पूरी मीटर के अंदर है एक्स सेकेंड किसके तुल्य होता है क्रिप्टॉन घड़ी के वन सिक्स फाइव जीरो सेवन सिक्स थ्री पॉइंट सेवन थ्री आवर्तों के अंदर या फिर क्रिप्टॉन घड़ी के सीजियम घड़ी के और सीजियम घड़ी के दे रखा है तो कितनी आवृत्ति के इक्वल होता है तो सीज़ियम घड़ी के नाइन वन नाइन टू सिक्स थ्री वन ट्रिपल सेवन जीरो आवृत्ति के जो है एक सेकेंड की वैल्यू होती है जो तो सीज़ियम घड़ी में इतनी आवृत्ति पर आपको मिलेगी है ना मतलब इतना एक्यूरेटली मिलेगी ओके okay, चलिए एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितने बराबर होती है तो प्रकाश वर्ष डिस्टेंस को दूरी को मेज़र करने में काम आता है तो 9.46 पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू दी पावर ट्वेल्व किलोमीटर तक ये एक्यूरेटली जो है चीज़ों को क्या कर सकता है मेज़र यहाँ पर कर सकता है ठीक है अब ये मीटर में दिखे ना तो टेन टू दी पावर फिफ्टीन होगा बस यही गेम है किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर में इनको शो करने का ठीक है तो बस ध्यान रखना नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू दी पावर है ये टेन टू दी पावर ट्वेल्व के ठीक है

ठीक है चंद्रशेखर सीमा किस यौगिक राशि का मात्रक है तो द्रव्यमान को अगर आपको मेजर करना है तो आप चंद्रशेखर सीमा के अंदर मेजर कर सकते हैं बहुत बड़े द्रव्यमान को तो वन सी एस एल वही चंद्रशेखर सीमा इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर इंटू सूर्य का द्रव्यमान जो सूर्य का द्रव्यमान है उसका वन पॉइंट फोर करोगे तो इतने द्रव्यमान तक आप चीजों को मेजर कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं एयू तथा ए के अंदर क्या संबंध है बेसिकली ये है क्या तो ए यू तथा ए दोनों ही यहाँ पर क्या करती है लंबाई को मेज़र करती है ए यू लंबाई का खगोलीय मात्रक है बहुत लंबी दूरी को मेज़र करने के लिए ए यू का प्रयोग करते हैं और ए जो एंगस्ट्रॉम आप सुनते हैं ठीक है वो छोटा मात्रक है बहुत कम दूरी को मेज़र करने के लिए आप इसका प्रयोग करते वन ए यू इज़ इक्वल टू वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी वन एंगस्ट्राम के ये इक्वल होता है ठीक है आप देख सकते वन ए यू इज़ इक्वल टू वन खगोली मात्रक और मीटर में इसको कन्वर्जन देखना है तो वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स जीरो इंटू टेन टू द पावर इलेवन मीटर और एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन देखना है तो वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर इतनी कम डिस्टेंस को भी ये यहाँ पर मेजर कर सकते हैं किसके थ्रू एंगस्ट्रॉम के थ्रू और बड़ी डिस्टेंस को मेजर करना है तो खगोली मात्रक ए यू का आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे क्लियर है चलिए आगे बात करते हैं प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है तो बेसिकली प्रकाश वर्ष का प्रयोग आप किसके अंदर करते हैं अत्यधिक दूरी को मेजर करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है एक माइक्रोन किसके इक्वल होता है तो एक माइक्रोन ये आ गया टेन टू दावर माइनस सिक्स मीटर के यहाँ पर इक्वल रहेगा ठीक है ध्यान रखिएगा वायु की अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है कुछ यंत्रों से रिलेटेड चीजें कर लेते हैं तो वायु की अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग यहाँ पर हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं ठीक है हाइग्रो अलग चीज़ है और हाइड्रो यहाँ पर अलग चीज़ है तो वायु की आद्रता वायु में कितनी नमी है हाइग्रो का प्रयोग करेंगे हाइड्रोमीटर का द्रव का जो डेंसिटी है द्रव के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे तो दूध कितना शुद्ध है प्योर है उसके लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा जिसकी वजह से वायुमंडलीय दाब को मेजर किया जा सकता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है और विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है है ना वोल्ट मीटर वोल्टेज का प्रयोग करने के लिए वोल्टेज को चेक करने के लिए ठीक है विभवांतर को किस में मेजर किया जा सकता है वोल्ट मीटर में विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव की शांता को मेजर करने के लिए ठीक है और वर्षा की मात्रा को मेज़र करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो वर्षा की मात्रा आपको मेज़र करनी कितनी मात्रा में वर्षा की तो रैनगेज मीटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है पाइरोमीटर का प्रयोग जो होता है टेम्परेचर को जैसे बहुत ज़्यादा जैसे लाइक सन का टेम्परेचर है ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब टेम्परेचर हाई होता है तो उसको मेज़र करने के लिए हम लोग पायरो का प्रयोग करते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं के विकिरण अल्फा बीटा और गामा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो गीगल मूलर एक ट्यूब है गीगर के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था तो अल्फा बीटा और गामा इन विकिरणों को मापने के लिए गीगर मूलर ट्यूब का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है पारक तापमापी में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है क्योंकि रैखिक पाठ्यांक देता है और साथ ही यह ताप के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है इसीलिए टेम्परेचर मापी के अंदर आप पारे का प्रयोग यहाँ पर करते हैं तो बोथ रीजन आर करेक्ट तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है जहाज़ों को मापने के लिए जहाज़ों में सही समय का पता लगाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है क्रोनोमीटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है ठीक है क्रोनोमीटर जहाज में सही समय का पता लगाना है क्रोनोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही अधिक ताप वाली वस्तु को मापने के लिए आप पायरो का प्रयोग करते हैं ठीक है और कम तापमान के लिए आपके पास कई सारे टेम्परेचर जो आपके पारत तापमापी है वो अवेलेबल जा है मैनोमीटर का प्रयोग काय के लिए किया जाता है गैसों के दाप को मापने के लिए किया जाता है कार द्वारा तय की गई दूरी है ना या बाइक द्वारा तय की गई दूरी के लिए जो मीटर लगे होते हैं उन मीटर को क्या कहा जाता है ऑडो मीटर यहाँ पर कहा जाता है ठीक है ओडो और ऑडियो दोनों अलग है ऑडो बेसिकली जो हमारी जो कार और इनके अंदर जो दूरी तय करी गई है उसको मापने के लिए लगाए जाते हैं ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता ऑडियो वही ध्वनि के लिए होगा तो ध्वनि की तीव्रता को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर ठीक है और किसी स्थान की ऊंचाई को मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते, है? तो करते हैं तो अल्टीमीटर का प्रयोग यहाँ पर आप लोग करते हैं ओके और तापमान को किस युक्ति के द्वारा मापा जाता है तो नॉर्मल पूछा है तो तापमान को आप थर्मोमीटर के द्वारा यहाँ पर मेजर करते हैं ठीक है क्लियर है यहाँ तक चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर ये वाले तापमापी वाले सारे क्लियर हो गए कि किसको मेजर आप कैसे करेंगे निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित करना है ना लंबाई के बढ़ते हुए मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर और मिलीमीटर ठीक है तो बढ़ते क्रम में मतलब पहले सबसे छोटा मिलीमीटर सबसे छोटा होता है फिर सेंटीमीटर होता है फिर मीटर होता है और फिर किलोमीटर होता है ठीक है ये क्लियर है चलो एक क्वेश्चन देखो किसी व्यक्ति की लंबाई वन मीटर है इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं ठीक है और 1.65 मीटर दे रखी है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू हंड्रेड कर दो दैट मीन्स 165 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है दैट मीन्स सेंटीमीटर में तो आ ही है मिली में कन्वर्ट करने के लिए एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर मीटर होते हैं तो इंटू टेन कर दो ठीक है तो ये वन सिक्स मिलीमीटर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा या फिर आप डायरेक्टली मीटर से कन्वर्ट करते तो थाउजेंड कर सकते थे आप ठीक है क्लियर है यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं चलो राधा के घर तथा तो उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है इसको किलोमीटर में व्यक्त करना है तो आपको है एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं हमसे रिवर्स पूछा हुआ है हमको क्या करना है किलोमीटर में कन्वर्ट करना है ठीक है तो डिवाइड बाय 1000 कर लो ठीक है 3.250 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगी आपकी चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखिएगा किसी स्वेटर बुनने की सलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर आता है तो सलाई की टोटल लंबाई कितनी स्वेटर माप बनाने के लिए आप सलाई का प्रयोग करते हैं राइट तो उसका एक सिरे का पाठ्यांक आ रहा है थ्री और दूसरा सिरा तैतीस आ रहा है तो उसकी जो वो जो स्केल है या जो जो सिलाई है वो कितने की है है ना उसका जो सलाई की लंबाई कितनी होगी जिसे स्केल का होता है ना सेम एज़ इट इज तो पाठ्यांक निकालना है शुरुआत कहाँ से हो रही है है ना 3.0 से और वो जो उसका दूसरे सिरे का पाठ्यांक कितना आया तैतीस आया तो अंतिम सिरे का पाठ्यांक माइनस शुरुआत का पाठ्यांक आप कर लो तैंतीस दशमलव एक माइनस तीन कर लो तीस दशमलव एक सेंटीमीटर तो उसकी टोटल लंबाई कितनी है सलाई की तीस दशमलव एक सेंटीमीटर उसकी टोटल लंबाई है ठीक है क्लियर है यहाँ तक चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं ठीक है तो ये आपका मेजरमेंट चैप्टर जो है मापन यूनिट वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पदार्थ की अवस्था और उनके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो जितने भी स्टूडेंट व्हाट्सएप पर नहीं है ऐड हो जाइएगा ताकि मैं आपको कुछ एम सी प्रैक्टिस के लिए दे सकूँ और आप उसकी सेल्फ प्रैक्टिस कर ले क्योंकि देखो इसमें कन्वर्जन ही है बस थोड़ा सा कुछ अगर नया वो पूछ सकते हैं तो वो पूछ सकते हैं एम एल टी माइनस वन और ये किसकी यूनिट होती है विमी सूत्र पूछ सकते हैं तो थोड़ा बहुत आप उसके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा वैसे तो उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा ओके तो सेशन कैसा से लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में थैंक्स फॉर वॉचिंग